हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कल एफएमसी मीटिंग के रिजल्ट आने के बाद मार्केट में हल्का सा करेक्शन जरूर से देखने को मिला है। जहां पर आप देखेंगे तो हमारा जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो 1.16 ट्रिलियन पे आ चुका है। यहीं पर जो मार्केट है वो 1.76% से डाउन हो चुकी है। यहीं पर अगर हम बात करें BTC की तो $27,650 पे चल रहा है, जो कि लगभग कल 28 या फिर 29,000 के लगभग लगभग पहुंच गया था, $28,800 या फिर $900 के पास चला गया था, लेकिन अभी 27,600 पे आ चुका है। यहीं पर अगर हम बात करें इथेरियम की तो $1,760 के आसपास चल रहा है। BNB की बात करें $326, इसी हिसाब से बाकी सारे जो कॉइन है वो यहाँ पर ग्रीन अभी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कल की तो कल यहाँ पर फेड ने 25 बीपीएस से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, जो कि कल 11:30 PM में ही मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे बता दिया था। इसके साथ ही साथ ट्विटर पे भी मैंने आपको ये चीज ट्वीट करके बताया था, तो नहीं फॉलो किया तो जाके फॉलो कर लीजिए। तुरंत 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर मैंने यहाँ पर ये चीज आपको बता दी थी, जाके फॉलो कर लीजिए, काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा अगर हम चार्ट पे चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है चार्ट, और कल का ये जो कैंडल आप देख रहे हैं जो रेड रेड में बना हुआ है, यहाँ पर डाउन गया था BTC का प्राइस, लेकिन हाँ हल्का सा पंप किया है फिर ऊपर की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है अभी। तो यहाँ पर देखेंगे तो 28-29 हजार के आसपास कल BTC का प्राइस गया था, लेकिन जाने के बाद तुरंत यहां पर प्राइस डंप कर गया, क्योंकि यहां जो पाउल चाचा है उनके तरफ से भी कुछ नेगेटिव बोला गया था। सबसे पहले यहां पर जो फेड है वो कहती है कि हम आने वाले समय में जो इंटरेस्ट रेट है उसको और भी बढ़ा सकते हैं, कम तो नहीं करेंगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि आने वाले समय में हमारा जो इन्फ्लेशन गोल है वो है 2%। अभी देखा जाए तो इन्फ्लेशन यहां पर चल रहा है इनका 5 पे, तो यहां पर आने वाले टाइम में ये अपना इन्फ्लेशन रेट को 2% पे करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो और भी आने वाले समय में अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं हमें डंप देखने को मिला है, लेकिन ये देखना रहेगा कि अचानक से करते हैं या फिर धीरे धीरे करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जिस एरिया में BTC का प्राइस चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये वाला जो एरिया है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि बियर मार्केट में जब भी यहाँ पर प्राइस नीचे आया है तो यही एरिया से BTC का प्राइस ऊपर गया है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये एरिया काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहां पर अभी BTC का प्राइस ट्रेड कर रहा है और यही एरिया है जिसको ब्रेक करके ऊपर निकलना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो है $28,500 के पास, और ऊपर में देखें तो यही है $31,500 के पास। तो यहां पर ये हो सकता है कि BTC का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाए और $31,500 के पास आए और फिर ऊपर चल जाए। अगर ऐसा होता है तो चमत्कार हो जाएगा भाई, क्योंकि ये जो एरिया है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला है, क्योंकि ये एरिया मैंने आपको बताया काफी बार यहाँ से पंप किया है, तो इसके लिए अच्छा रेसिस्टेंस यहाँ पर ये होगा। तो अब यहाँ पर मेरे को ये लगता है कि आने वाले समय में इसका जो प्राइस है वो यहाँ से हल्का सा साइडवेज चलता हुआ देखने को मिले और फिर हल्का सा यहाँ पर डंप जरूर से देखने को मिले, अगर ऐसा होता है तो। नहीं तो अगर ऐसा होता है कि डायरेक्ट यहां से पंप हो जाए और ऊपर चल रहा है तो वो कुछ अलग ही मौसम रहेगा, लेकिन हाँ अभी चांसेस है कि ये वाला जो एरिया है यहां से हल्का सा नीचे आए, लगभग $25,200 के आसपास आए, और फिर यहां पर देखना ये रहेगा कि आगे क्या होता है। अभी फिलहाल मैं देख रहा हूं तो वो ये चीज देख रहा हूं साइडवेज चल के प्राइस जो है वो थोड़ा सा और नीचे आए। इसके अलावा दोस्तों कल एक बड़ी न्यूज आई है ट्रोन की तरफ से, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो SSC है वो यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन का चार्जेस ट्रोन के जो CEO है जस्टिन सन उनके ऊपर यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो अब इसके ऊपर जो SSC है वो यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जो TRX है और जो BTT है उसमें यहाँ पर एक अच्छा खासा डंप देखने को मिला है, क्योंकि इन्हीं को कॉइन है और बताया जा रहा है कि ये अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एसेट, तो यहाँ पर BTT और TRX दोनों में एक डंप देखने को मिला है, लगभग 16-17% दोनों यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं कि जो जस्टिन सन है उनके तरफ से क्या बयान आता है और क्या होता है आगे चल के। इसके अलावा अब दोस्तों जो टेलीग्राम के यूजर्स है वो यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं USDT अपने चैट बॉक्स में जाके, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। जो फेड वाली न्यूज है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कल के टाइम में जो पंप और डंप यहाँ पर हुआ है उसमें काफी सारे जो लॉन्ग है वो यहाँ पर लिक्विडेट हुए हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने कहा था कि 25 बीपीएस आएगा तो पंप होगा, लेकिन हुआ डंप, इसके वजह से काफी सारे जो लॉन्ग है वो यहाँ पर लिक्विडेट हो गए हैं। बाकी आप मेरे को बताइएगा कि आपका जो पैसा है वो भी डूबा या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो 6 इथेरियम ऑल्टकॉइन है
उसको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है एसएससी के थ्रू, क्योंकि दोस्तों कॉइन बेस की तरफ से कुछ नोटिस आया है जो कि पूरा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको याद होगा जून के टाइम में जो कॉइन बेस के इम्प्लॉयज है उनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का केस लगाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एसएससी है वो यहाँ पर कुछ कॉइन्स की लिस्टिंग जो है वो कॉइन बेस के ऊपर है, तो इनके ऊपर कुछ रिव्यू किया जाएगा। जिनके कॉइन्स के नाम है एएमपी, एलसीएक्स, लेजर, पावर लेजर, रैली, आरएलवाई, एक्सवाईओ नेटवर्क, तो ये सारे जो कॉइन है उनके ऊपर यहाँ पर रिव्यू डाला जाएगा। तो ये चीज आप देख के चलिएगा, अगर आप ये सारे कॉइन में पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो इनमें भी एक डंप हमें देखने को मिल सकता है, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो, पर्सनली बात करना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलेंगे आपको ऐसे वीडियो में। बाय बाय, सी यू।